हमीरपुर पुलिस लाइन दुसरका मैदान में चली पुलिस भर्ती के अंतिम दिन तीनों वर्गों के 603 अभ्यर्थी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की, जबकि पूरी भर्ती में कुल 5498 अभ्यर्थियों में से 2522 ने मैदानी बाधा पार कर लिखित परीक्षा के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की है। पुलिस विभाग जल्द ही लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा भी करेगा। हमीरपुर पुलिस लाइन दसड़का मैदान में चली पुलिस भर्ती के अंतिम दिन तीनों वर्गों के 603 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की, जबकि पूरी भर्ती में कुल 5498 अभ्यर्थियों में से 2522 ने मैदानी बाधा पार कर लिखित परीक्षा के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की है। पुलिस विभाग जल्द ही लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। हमीरपुर में पुलिस विभाग के 88 पद भरने के लिए ये पुलिस भर्ती आयोजित की गई है। आपको बता दें कि अंतिम दिन कुल 1497 अभ्यर्थियों, जिनमें 299 पुरुष, 51 चालक और 1147 महिलाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया था। इनमें से कुल 1111 जिनमें पुरुष 225, महिला 840 और चालक के 56 अभ्यर्थी ही भर्ती में पहुँचे थे। इन 1111 में से 508 जिनमें पुरुष 49, चालक 23 और महिला 426 शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। इनमें से एक अभ्यर्थी दस्तावेज में 144, लंबाई में छाती फुलाने में 2 पुरुष अभ्यर्थी, लंबी कूद में 244 पुरुष, 27 व महिला 217, ऊंची कूद में 67 पुरुष, 15 व महिला 52, दौड़ में 42 पुरुष, 14 और महिला 28 अभ्यर्थी बाहर हो गए, जबकि 8 चालक अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। अंतिम दिन कुल 603 जिनमें 166 पुरुष, चालक 23, महिला 414 ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की। 4 दिनों में कुल 2522 जिनमें पुरुष 2106, पुरुष चालक 23 और 414 महिलाओं ने मैदानी बाधा पार कर ली और लिखित परीक्षा के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। पुलिस अधीक्षक अजित सेन ठाकुर ने कहा कि कुल 2522 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है। जल्द ही लिखित परीक्षा की तिथि भी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से घोषित हो जाएगी।